अकेले अकेले मम्मी बोलते हैं मम्मी। ये पिज्जा का तो नाम बदनाम कर रही है मम्मी। क्या मौसम हो रखा है फ्रेंड्स? देना चाहता हूँ मैगी, बहुत टेस्टी लगे उसके लिए फ्रेंड्स। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसमें ही मैगी मसाला डाल देते हैं। ये जो मैगी मसाला है इसमें डाल देते हैं। आप क्या करना, अगर आपको इसमें मैगी मसाला डालना है, बाहर जो एक मैगी मसाला मिलता है वो एक डाल देना, वेजिटेबल मैगी मसाला। और ये जो मैगी मसाला है जो मैगी के साथ आता है उसे मत डालना, उसको मैगी को डालने के बाद उसके ऊपर डालना, ताकि इसका मसाले का फ्लेवर मैगी में अच्छा से आएगा। तो ये मैंने बनाया मैगी, और मेरी तरह बनाओ भूल जाओ। अभी 2:30 बज चुके हैं और मेरे को लग गई भूख, और वैसे भी राइस ख़त्म हो गया और सब्ज़ी मेरे को वैसे भी पसंद आ जो बना है नहीं आ रही थी, मैं नहीं खाता फ्रेंड्स वो सब्ज़ी। तो अभी मैंने आलस दूर किया और मैं अपने लिए मैगी बना रहा हूँ। तो ये है मेरा मैगी का हथियार जो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ। हरी मिर्च, गाजर, ये लहसुन, एक प्याज, मसाले। तो ये तीन मसाले इसलिए क्योंकि तीन मैगी बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जब भी मैगी इसलिए मैं जल्दी नहीं बनाता, जब भी बनाता हूँ सब मांगने लगते हैं कि नहीं खुद उबाल के खा लेते हैं। अब मेरे को उबाल कर मैगी अच्छा पसंद नहीं आता, मैं फ्राई करके बनाता हूँ अच्छे से, ये सब टूट पड़ते हैं, तब उन लोगों को भी देना होगा, इसलिए तीन मैगी तो चाहिए ही। तो ये मैंने मैगी को उबाला, पानी निकाल लिया और इसे भिंगो लिया ठंडे पानी से। तो ये देखिए कितना मतलब चिपचिपा नहीं होता है ठंडे पानी से आप भिंगो लोगे। तो मैंने इसे भिंगो के इसमें छान लिया। ये बेस्ट चीज़ है फ्रेंड्स, ये छन्नी जो है ना बेस्ट चीज़ है। तो अभी मैं गैस में कढ़ाई रख दिया हूँ, तेल भी गर्म हो गया मेरा, काफ़ी गर्म हो गया बात करने में। तो चलिए थोड़ा सा लो कर दिया हूँ गैस को, शांत हो जाएगा अब बनाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स गार्लिक डालेंगे, हरी मिर्च, प्याज, गाजर। तो फ्रेंड्स ये सारी सब्जियाँ मैंने मैगी के लिए डाल दी है, उसको सौटे कर लेंगे अच्छा से, भून लेंगे इसे, हल्का फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का एकदम नरम हो जाए, ब्राउन हो जाए बस। थोड़ा सा नमक हल्का डाल दीजिएगा, मैंने पहले भी मैगी का वीडियो डाल रखा है फ्रेंड्स, आप उसे ज़रूर देखिए, रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, मैगी बनाता हूँ। और आप अगर आपको ये पसंद आता हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स ये फ्राई हो चुकी है मेरे, और ये है हल्का सा गर्म मसाला, आप डाल भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, मैं स्वाद के लिए थोड़ा डाल देता हूँ। अब इसे चला दें, अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ये जो मैंने मैगी का पानी निकाल कर रखा है। अब गैस फुल कर देंगे और इसे थोड़ा इस पानी को मसाले के साथ उबलने देंगे, ये सूप जैसा बन जाता है एकदम। देखिए लगा ना वेजिटेबल सूप। अब इसमें हम डालेंगे सॉस, मैगी मैगी हमको भी चाहिए, सबके चाहिए तो हमको ठीक करें। तो ये है चिली सॉस, और ये है टमाटो सॉस। अब इसे मिला लेंगे अच्छे से, तो अभी इसे हम टमाटो सॉस और चिली सॉस डाल के इसको थोड़ा मिला लेंगे अच्छे से, और पानी को थोड़ा उबलने देंगे अच्छे से, एक मिनट उबलने देंगे, उसके बाद इसमें जो ये फुला कर रखा है इसको डालेंगे। एक टिप्स देना चाहता हूँ, मैगी बहुत टेस्टी लगे उसके लिए फ्रेंड्स। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसमें ही मैगी मसाला डाल देते हैं, ये जो मैगी मसाला है इसमें डाल देते हैं। आप क्या करना, अगर आपको इसमें मैगी मसाला डालना है, बाहर जो एक मैगी मसाला मिलता है वो एक डाल देना, वेजिटेबल मैगी मसाला। और ये जो मैगी मसाला है जो मैगी के साथ आता है उसे मत डालना, उसको मैगी को डालने के बाद उसके ऊपर डालना, ताकि इसका मसाले का फ्लेवर मैगी में अच्छा से आएगा। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। तो अभी इसमें मैंने मैगी मसाला नहीं डाला है, अभी मैं दिखाता हूँ। अब ये जो मैगी है इसको डालेंगे इसमें, यो अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने मैगी को इस वेजिटेबल के साथ अच्छे से मिला दिया, अब ये वाइट वाइट लग रहा है क्योंकि इसमें मैगी मसाला मैंने नहीं डाला है। अब इसमें हम डालेंगे मैगी मसाला। तो फ्रेंड्स मैगी मसाला देखिए मैंने ऊपर से डाल दिया, अब मैं इसमें हल्का सा नमक डालूंगा,
नमक फ्रेंड्स स्वाद अनुसार लेना, क्योंकि इसमें अगर आप सॉस ऐड करते हो, मैगी मसाला ऐड करते हो, उसमें ऑलरेडी नमक होता है, तो नमक कम ही लेना ताकि आपका नमक ना बढ़ जाए बाद में। लेकर अगर कम लगे तो ले लो ऊपर से, मगर कम डालना। देखना मैंने बहुत कम नमक डाला है, अब इसे भी ला लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मेरा मैगी रेडी हो चुका है, अब मैं इसे चला खाने। तो फ्रेंड्स ये मैगी मैंने रेडी कर लिया है, एक बाइट लेता हूँ आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने बनाया मैगी, और मेरी तरह बनाओ, भूल जाओ गया। मैंने दो तीन वीडियो मैगी के डाल रखे फ्रेंड्स, आप बनाओ ऐसे, मज़ा आ जाएगा, सच कह रहा हूँ। अब अभी मैंने मैगी बनाया, सब लूट के ले गए, तो चलिए पूछते हैं उनसे कैसा लगा। मैगी 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 मैं अपने यहाँ टेबल पर रख लेता हूँ, लाइट कम। इसे पूछो, हम पूछे कि मैगी है रानी तुम लोग का, तो हम लोग का खत्म हो गया, तुम अपना बनाओ उसी में से दो। मस्त लग रहा है मम्मी। तो फ्रेंड देखिए मेहनत मेरा, तो स्वाद इन लोग ले रहा है। चलिए हम खाते हैं हम भी। तो फ्रेंड्स आप तो जानते हैं मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मैगी खाते हुए, मैगी नहीं खाना खाता हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ खाने, इंजॉय करूँगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा विथ मैगी। तो आप भी बनाइए मेरे तरह मैगी, इंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं, ओके बाय। फ्रेंड्स अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और लाइट कट गई है, क्योंकि बाहर मौसम थोड़ा ख़राब हो चुका है, बारिश तेज़ हो रही है। तो देखिए अभी कैसा है जगह, ये तो फिर से पूरा बारिश मौसम कर दिया। ये देखिए क्या मतलब हर बारिश हो रही है, तो फ्रेंड्स आज दिन में एकदम सूखा पड़ा था, बारिश नहीं हो रही थी, और अभी देखिए क्या मूसलाधार बारिश हो रही है, ये देखिए। क्या मौसम हो चुका है, ऐसा मौसम और रखा है। मेरी गाड़ी वहाँ है, भींग ना जाए, अंदर कर देना चाहिए। देखिए बादल क्या हो रखे हैं फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं, ये देखिए साहब, ओ मेरा मोबाइल में बारिश हो रहा है, पानी पड़ गया, देख रहे हैं ना क्या मौसम हो रखा है फ्रेंड्स। तो मेरा मोबाइल में पानी पड़ रहा है फ्रेंड्स, मैं अभी अंदर आ जा रहा हूँ। पहाड़ों में गया, क्या मौसम हो रखा है फ्रेंड्स, काफी सुंदर मौसम हो रखा है, एकदम बारिश। फ्रेंड्स ऐसा मौसम हो और हाथ में हो कॉफ़ी, तो क्या मज़ा आ जाइए। देखिए कॉफ़ी बनाया मैंने, ऐसा छोटा भाई बनाया है, ऐसा बारिश का मौसम हो रहा था, मैंने बोला कि चल कॉफ़ी बना मैं पीऊँगा। तो फ्रेंड्स ये मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ बालकोनी के पास बैठ के, बाहर नहीं बैठा हूँ ज़्यादा, बारिश के छींटे आ रहे हैं। अच्छा बनाया है, बहुत ही मस्त मौसम हो रहा है फ्रेंड्स, मेरे को बारिश बहुत पसंद है। मेरा दिल पहाड़ों में। तो फ्रेंड्स अभी मैं बाहर गया था सामान लाने, आया मैं बर्गर बॉक्स, ये बेसन ब्रेड पिज्जा बेस, तो एक पॉपट हो गया, बेसन मंगाई थी, सॉरी कोई भी हो रहा है, सत्तू मंगाए थे मम्मी सत्तू पराठा के लिए, और मैं लेकर आ गया बेसन। अभी आप बताइए क्या बन रहा है, ये है देखिए बटर, गैस कीजिए
तब तक बन जाता है तो दिखाता हूँ। आ गया मम्मी तुम्हारा सत्तू। छोटू गया था और लेकर आया। क्या देख रही है? सीरियल। मम्मी दिन भर मोबाइल देखते रहती। अब सत्तू पराठा और धनिया पत्ता ले आए हैं। सत्तू पराठा धनिया पत्ता का चटनी बनेगा, मस्त मजा आएगा। तो फ्रेंड्स, बरसात का मौसम था, शाम में आपको मैंने दिखाया, तो मम्मी को मन किया सत्तू पराठे खाने का, तो मैं सत्तू के जगह बेसन ले आया था, तो कंफ्यूज हो गया। फिर मम्मी ने डांटा, ये क्या बेसन ले आया है सत्तू के जगह तू? तो दोबारा से छोटा वाला भाई गया, और वो क्योंकि मेरे को वापस नहा कर पूजा करना था, तो मैं पूजा करने लगा तो छोटू गया लाने, तो वो बेसन ये सत्तू लेके आया। फिर कन्फ्यूज हो रहा हूँ बेसन सत्तू। तो क्या आप भी कन्फ्यूज हो जाते हैं सत्तू बेसन में, बताइएगा कमेंट में। तो अभी सत्तू आ गया है, सत्तू पराठा और धनिया पत्ता टमाटर और हरी मिर्च की चटनी बनेगी डिनर में, और मम्मी का आज खाने का मन है तो वो बनेगा। और अभी शाम के लिए मैं कुछ लाया हूँ जिसका बन रहा है अभी किचन में, और बन जाता है तो दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह का आज मेरे साथ पोपट हुआ। चलिए बन जाता है तो दिखाता हूँ आपको। ओके, अकेले अकेले मम्मी क्या इसको बोलते हैं? ओट्स है मम्मी। ये पिज्जा का तो नाम बदनाम कर रही है मम्मी। देखिए फ्रेंड्स, इसको ओट्स मम्मी बोल रही है। कैसा मम्मी? बहुत टेस्टी। कैसा बना है? वाह। कभी आप लोग भी बना के घर में लाके खाइए, मजा आ जाएगा। बाहर का खाना छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, मम्मी खा रही है पिज्जा, यम्मी यम्मी स्पाइसी स्पाइसी। ओट्स खा रही है, ओट्स नहीं है। शाम को, और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, खाने में भी डिलीशियस ही होगा। तो चलिए इसे खाते हैं। मस्त मस्त बना है, बिना ओवन का तावा पिज्जा है, घर में बना है, स्वीगी बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है, मजा आ जाता है खाने में। यही दिखाने वाला था बाहर। फ्रेंड्स, कोशिश करते हैं कि घर में ही बन जाए सारा चीज। आपको पहले भी बताया, ज़्यादा चीज़ हम लोग कोशिश करते हैं घर में बना के खा ले, बाहर का कम खाते हैं। कभी कभी मंगा लेते हैं जब मन हुआ, नहीं बनाने का या बाहर का खाने का तो कभी कभी, लेकिन ज़्यादा कोशिश करते हैं कि घर पर ही ऐसा ऐसा डिश बन जाए। अभी माइक्रोवेव घर पर नहीं है हम लोग का, लेंगे, प्लान कर रहे हैं, बजट हो जाएगा खरीद लेंगे। अभी तो तवा पिज्जा, लेकिन फ्रेश तावा का पिज्जा भी बहुत शानदार लगता है, उसका नाम भी बन जाता है बहुत चीज़, तो बहुत मज़ा आता है खाने में। घर का चीज़ बहुत अच्छा लगता है खाने में, मज़ा आ जाता है। तो क्या आप भी
मैंने एक वीडियो में डाल भी रखा है फ्रेंड्स, तवा पिज्जा, वो आप देख लेना। लाइट कट चुका था, अंधेरा था, अंधेरे में इमरजेंसी लाइट में ये पिज़्ज़ा बनाया हूँ, इसलिए वीडियो मैंने नहीं बनाया। तो अभी जस्ट लाइट आया है थोड़ा देर पहले, बहुत ही डिलीशियस है, मज़ा आ गया। थैंक्स टू स्वीटी इतना अच्छा पिज़्ज़ा बनाने के लिए, मस्त। तो फ्रेंड्स अभी रात के बज गए 10:30 और डिनर बन चुका है, तो अभी हम चलते हैं डिनर करने। तो देखिए अब क्या बना है डिनर। तो फ्रेंड्स ये सत्तू पराठा, मूली, आम का अचार, धनिया टमाटर की चटनी और ये सब्जी, आलू और कोए के पत्ते की सब्जी। तो ये है मेरा डिनर आज का कुछ इस प्रकार। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, गुड नाइट। और अभी तक आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके बाय।